ब्रज की होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ जितने जोश और उमंगों में होली खेली जाती है, वैसा रंग दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता। यहाँ रंगों की होली, गुलाल की होली, लठमार होली, लड्डू मार होली और फूलों की होली, यहाँ तक कि कीचड़ की होली भी खेली जाती है। ब्रज की होली कई दिनों पहले ही शुरू हो जाती है। दूर दराज से यहाँ लोग ब्रज की होली की मस्ती देखने पहुँचते हैं। कहते हैं यहाँ परंपरागत तौर पर सवा महीने की होली खेली जाती है। खास तौर पर लोग वृंदावन, बरसाना, नंदगांव की होली देखने पहुँचते हैं। बरसाना में होली का अलग ही माहौल रहता है। यहाँ होली की शुरुआत लड्डू मार होली से होती है। बरसाने को श्री राधा रानी का जन्म स्थल कहा जाता है। ऐसे में युवतियाँ और महिलाएं यहाँ ग्वालों पर लड्डुओं से प्रहार करती हैं और फाग गीत गाती हैं। होली का ये रंग दूर दूर से आए लोगों को खूब लुभाता है। इस बार भी बरसाने के मुख्य श्री जी मंदिर में धूमधाम से लड्डू मार होली खेली गई। लड्डू मार होली के बाद यहाँ शुरू होती है लठमार होली, जो खास आकर्षण का केंद्र होता है। नंदगांव से आए ग्वालों पर बरसाने की ग्वाली ने लठ बरसा कर होली खेलती हैं। हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को यहाँ लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली जाती है। आपको बता दें, लठमार होली का बकायदा निमंत्रण एक दिन पहले बरसाने से नंदगांव भेजा जाता है। हजारों बरसों से चली आ रही इस परंपरा के तहत नंदगांव के होलियारे पीली पोखर पर आती हैं, जहां उनका स्वागत बरसाने के लोग ठंडाई और भांग से करते हैं। यहां से ये होलियारे एक दूसरे को पगड़ी बांधते हैं, ढालों को सजाते हैं और हंसी ठिठोली के साथ होलियारिनों को रिझाने की पूरी तैयारी करते हैं। उसके बाद सभी होलियारे कृष्ण रूपी ध्वज को लेकर श्री जी मंदिर पहुँचते हैं और श्री जी राधा रानी को कृष्ण ध्वजा का दर्शन कराते हैं और होली की शुरुआत करते हुए रंगीली गली पहुंचते हैं, जहां बरसाना की होरियारिनों को होली के गीत गाकर रिझाते हैं और उनसे हंसी ठिठोली करते हैं। वैसे तो होली महोत्सव 40 दिन में बसंत पंचमी से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन नंदगांव बरसाना की होली कुछ अलग तरीके की होती है। जो नंदगांव बरसाना की जो होली होती है, पहले बरसाना से निमंत्रण आता है नंदगांव के लिए, लड्डू होली होती है उस दिन। राधा रानी की सखी आती है, कहती है कि नंद के लाला, आप हमारे यहाँ बरसाने में होली खेलने के लिए आओ। तो दूसरे दिन नंदगांव के हमारे बरसाने में होली खेलने के लिए आते हैं। बरसाने की होरियारन होती हैं, ब्रजगोपियाँ होती हैं, तो वो लाठियाँ बरसाती है। फिर उसके बाद में दूसरे दिन हम लोग यहाँ होली खेलने के लिए आते हैं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में ये होली का उत्सव मनाया जाता है और बड़ा ही आनंद आता है। ऐसा रंग कहीं ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने को, ऐसी होली कहीं नहीं मिलेगी जो नंदगांव बरसाना की जो होली होती है। यहाँ पे यहाँ की जो होरियारने हैं हम लोगों पे अपनी प्रेम पगी लाठियों से जब प्रहार करती हैं, तो हमको बड़ा ही आनंद आता है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में हम इस होली को मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तब से ये होली चल रही है। भगवान श्री कृष्ण मान के हम होली खेलते हैं, वो जो नंदगांव के होते हैं वो हमें राधा रानी मान के अपनी लाठियाँ खाते हैं और घर से आते हैं हम तैयार होकर के, नंदगांव के आते हैं मंदिर पे से उतर के, तब यहाँ होली शुरू होती है। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी परम्परा चली आ रही, उसे आगे बढ़ा। होली के गीत और हंसी ठिठोली के बाद नाच गाना होता है और फिर लठमार होली खेली जाती है, जिसमें बरसाने की होरियारिनों नंदगांव के होरियारों पर लाठियां बरसाती हैं। इसका बचाव नंदगांव के होरियारे अपने साथ लाई ढाल से करते हैं। इस होली को खेलने के लिए नंदगांव से बूढ़े जवान बच्चे सभी आते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम रूपी भाव से होली खेलते हैं। बरसाने की इस होली को देखने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग पहुँचते हैं। बहुत अच्छा लगा, हम पहली बार आए, हमें बहुत आनंद आया। बोल राधे राधे, राधे राधे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर, बड़ा आनंद आ रहा है। हम सभी लोग
मध्य प्रदेश, ये सभी खंडवा से आए हैं, मैं नर्मदापुरम से आया हूँ और हमने कैसा लग रहा है होली? बहुत आनंद आ रहा है, अद्भुत, विश्व का अप्रतिम अद्भुत आनंद यहाँ अभी नंदगांव में खूब मन रहा है, खूब आनंद से बरसाने से सभी लोग, सखा इत्यादि सभी गण मिलकर के यहाँ बरसा यहाँ पधारे हैं नंदगांव में और खूब आनंद से होली का उत्सव, हजारों लाखों की संख्या में विश्व से यहाँ पर होली का आनंद लेने भक्तगण भक्त समुदाय पधारे हुए हैं। ये ब्रज का होली का आनंद है, ये 40 दिन का चलता है, बसंत पंचमी के दिन इसका प्रारंभ होता है और ये पूर्णिमा पर्यंत तक चलता है। बरसाने की लड्डू मार होली हो, लठ मार होली हो, इसका आयोजन पूरे धूमधाम से किया जाता है। ऐसे में इस आयोजन के दौरान बरसाना पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। बरसाने की लठमार होली के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कहा जाता है कि बरसाना की लठमार होली को देखने के लिए खुद देवता भी पहुंचते हैं। इस होली में भक्त इतने उत्साहित होकर झूमते गाते नजर आते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।